आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी हम रिव्यू कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि 3 महीनों में, मतलब 31 मई तक, जब तक जब प्री होगा आपका यूपीएससी का, तब तक ये पूरी पॉलिटी खत्म हो जाए। मेरी कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि लक्ष्मीकांत में 82 चैप्टर्स हैं और हम देखेंगे अब कैसे होगा, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 82 के 82 चैप्टर्स मई तक मैं खत्म कर दूं। ठीक है, और आपको भी हमारा साथ देना है क्योंकि लेक्चर्स को फैलाना है, शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक 360 डिग्री ओवरव्यू दूं, हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ में लेके चलूंगा। अच्छा, आज हम बात करेंगे, इससे पहले हमने बात की थी 1773 से लेकर 1858 तक, आज हम बात करेंगे द क्राउन रूल की, 1858 से लेकर 1947 तक। दोस्तों अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, हम प्योर पॉलिटी पे अभी नहीं आए हैं। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा दोस्तों, जब मैं मेन प्रोविजंस पे आऊंगा, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, तो मैं उसको करंट अफेयर से भी लिंक करूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। साथ ही साथ एक चीज और है कि 1857 से, आई मीन 1757 से लेकर 1947 तक मैंने भारत का इतिहास पूरा कवर किया है, टोटल 30 लेक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है। तो बहुत सारी चीजें जैसे 1757, 1764 बैटल ऑफ बक्सर प्लासी, और 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर जितने एक्ट आए, मिंटो मॉर्ल रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो सब ऑलरेडी कवर्ड है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। इसमें भी मैं बताऊंगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, एक एक प्रोविजन जानने के लिए आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर वन, इसको कंटिन्यू करते हैं, और 1858 से लेकर 1947 जब सब कुछ ब्रिटिश के अंदर आ गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, सिडर्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चलिए पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे आते हैं। 1857 का लेक्चर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, सब्सिडियरी अलायंस क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है वो दे दे रहा हूं। तो 1857 के बाद भारत में क्रांति हो गई। अब ब्रिटिशर क्या कह रहे थे, अभी भी अगर आप ब्रिटिश अप्रोच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके सोर्सेस को पढ़ेंगे, ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच क्या कहता है, वो ये बोलता है अरे कोई क्रांति वांति नहीं थी, सिपाही म्यूटिनी थी, मामूली सा विद्रोह हुआ था, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस की वजह से, जिसकी वजह से हमने उनको कुचल दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बकायदा इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 में। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तो आ गई थी और प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो ब्रिटिश क्राउन था, इसके बीच में बहुत सारे समझौते हुए और बहुत सारे एक्ट्स पास हुए। हर एक्ट में आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार को ज्यादा पावर हो गई है और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को घटाया जा रहा है, और अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व किया गया 1857 में। ठीक है, हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में ही इसकी जो बुनियाद थी, इसकी जो इसका जो बेस था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना है, इसको एक ऐसा पंछी बनाना है जिसके पास पंख ही ना हो, ठीक है, तो वो शुरू हो गया था। लेकिन 1858 में पूरी तरीके से भारत क्राउन के अंदर आ गया, भारत ऑफिशियल कॉलोनी हो गया ब्रिटिश की। ठीक है ना, तो ये चीज था। तो अब दोस्तों क्या हुआ 1858 में, 1857 भीषण क्रांति हुई, ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए, हालत खराब हो गई थी, इधर झांसी की रानी, इधर तात्या तोप लड़ रहे हैं, बुरी हालत दोस्तों। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले तो एक ऐसा एक्ट बनाया कि दोबारा कभी क्रांति हो ही ना, सोचे भी ना क्रांति करने की, क्रांति करे भी तो इनके हाथ पांव तोड़ देंगे हम। ढेर सारे एक्ट लाए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसमें अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, हटाओ उसे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया पे रिप्लेस करो। देखिए दोस्तों, जो आप जितने एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एक एक चीज अगर आप याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं और अंडरलाइन कर दिए, वो तो आपको याद रखने ही रखने, चाहे जो हो जाए उस, वो तो आप याद रखिए ही रखिए। ठीक है, एक एक पॉइंट्स याद रखिए, अच्छी बात अगर आप याद रख लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं याद हो रहा है, तब तो भी आप वो पॉइंट जरूर याद रखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, ब्लैक से और रेड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो वाइस रॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया से रिप्लेस किया गया। ठीक है, और अब हर मेजेस्टी यानी कि क्वीन यानी कि क्राउन के अंदर आ गया, भारत क्राउन के अंदर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार के भगा दिया कि मतलब ऐसा तो नहीं किया कि दोबारा यहां पे दिखना नहीं। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब
लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वाइस रॉय बने, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग बिकेम दी फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो वाइस रॉय था ना, ये सीधा ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा, मतलब सबसे ऊपर है ब्रिटिश क्राउन, उसके बाद है वाइस रॉय जो कि भारत में रूल कर रहा है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कमर्शियल चीजों को देखता था, ठीक है। मैंने बताया था ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, और सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, उसमें सेपरेट कर दिया था, पावर्स को सेपरेट कर दिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स देखते थे। इसको खत्म कर दिया, ये डबल गवर्नमेंट थी, हटाओ इसको, अब सब सेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया ऑफिस बनाया गया। अब ये क्या बला है अभी आगे हम देखेंगे, फिलहाल आप इतना जानिए, अगर अभी आप देखें तो भारत में प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। उस समय प्रेसिडेंट, 1858 के बाद मैं बात कर रहा हूं, उस समय प्रेसिडेंट जो था वो वाइस रॉय होता था और प्राइम मिनिस्टर जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो एक नया ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, पूरी अथॉरिटी जो थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आ गई। और 1909 में जो अब कानून बनेंगे उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी नाम आएगा, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। फिर दोस्तों एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी होती है ना, वो इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर सकती, जैसे नीति आयोग, वो एक एडवाइजरी बॉडी है, वो उसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ी ना, वो खाली रिकमेंडेशन करेगी कि आपको ये सुधार करना चाहिए। अब हम देखते हैं 1861, 1892 और 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट आए, ठीक है। अभी तक कांग्रेस आई नहीं है तो भारत को रिप्रेजेंट अभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन दादा भाई नायडू जी अभी अपनी आवाज उठाने लगे हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया उन्होंने पब्लिश कर दी है। तो 1861 के काउंसिल एक्ट, ये हम 1861 के काउंसिल एक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1861 के काउंसिल एक्ट में क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो कि भारत इसमें नहीं है, कोई भी भारतीय इनकी कैबिनेट में शामिल ही नहीं है, वाइसरॉय के ऑफिस में। तो यहां पे हम देखते हैं कि अब भारतीयों को भी शामिल करो। तो अब 1861 के काउंसिल एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि कुछ इंडियंस भी आएंगे जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, यानी कि जो काउंसिल है उसको एक्सपैंड करो। तो लॉर्ड कैनिंग ने, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने उस समय तीन लोगों को नॉमिनेट किया था, कौन कौन, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चालू होता है यहां पे, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स दी गए, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको याद रखनी है, जो जो मैंने हाईलाइट किया है, अब यहां पे अभी तक तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो खाली सेंटर में थी, लेकिन अब नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएंगी, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो कि आज का पाकिस्तान है, पंजाब, समझ रहे हैं ना। तो 1862, 1866 और 1867 में, 1897 में यहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, यानी कि स्टेट में भी और यहां पे भी, समझ गए। उसके बाद दोस्तों ये कुछ और प्रोविजंस, लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो सिस्टम उनके पास आया और कोई भी डिसीजन जो है वो वाइस रॉय जो है 1861 के बाद ले सकता था, ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिकमेंड की मतलब उनकी एडवाइस लिए बिना, ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों 1892 के काउंसिल एक्ट की बात कर लेते हैं। अब आप एक और चीज देखिए, 1885 में कांग्रेस आ गई है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन तो गई है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पूरा मैंने कवर किया है दोस्तों, आप इतिहास के मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो कांग्रेस की क्या डिमांड है 1885 से लेकर 1905 तक, साथ साथ लेके चलिएगा, ठीक है, ये हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ साथ लेके चलिए। तो ये 20 साल मॉडरेट फेज था। मॉडरेट फेज का मतलब क्या है, कांग्रेस में जो लीडर्स थे वो ये नहीं बोल रहे थे कि आजादी चाहिए हमको, भगाओ ब्रिटिशर को, नहीं नहीं ये सब नहीं बोल रहे थे। बहुत सारे कांग्रेस तो ब्रिटिश के साथ थे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कांग्रेस जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश के साथ थे। वो कहते थे कि ब्रिटिशर ही एक अच्छा रूल लेके आएंगे भारत में, जो राम राज्य है वो ब्रिटिशर ही लेके आएंगे, लेकिन अभी ब्रिटिशर्स को भारत की असली हालत पता नहीं है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको उनको भारत की असली हालत, भारत में कितनी गरीबी है, भारत में अनअवेयरनेस है, ये बताना है, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स जो है ये चीजें बोल रहे थे, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट्स के लीडर थे, ठीक है, और पॉलिटिकल गुरु थे अगर महात्मा गांधी की बात करें। तो इंडियन कांग्रेस क्या कह रही है, इंडियन कांग्रेस अभी ये कह रही है कि हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आप जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो बजट पास कर रहे हैं,
हम उसको डिस्कस करेंगे, सवाल उठाएंगे। हमको कानून में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है ना, हमको काउंसिल में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये 1892 का जो एक्ट आया दोस्तों, इसमें इनकी मांगे तो पूरी हुई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। यहां पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब कांग्रेस कह रही थी कि सीटें बढ़ाओ ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके भारतीयों को, लेकिन वही चीज है कि पूर्ण स्वराज अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। तो यहां पे कांग्रेस कह रही है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमको सीटें बढ़ाओ ताकि हम सवाल उठा सके, आप कोई भी एक्ट कोई भी कानून लेके आए, बजट पारित करें, तो अगर वो सही नहीं है तो हम उनपे सवाल उठा सकें। तो यहां पे सरकार ने सुनी, ब्रिटिश सरकार ने सुनी, और नंबर ऑफ एडिशनल मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उसको भी बढ़ाया, लेकिन जो मेजोरिटी थी वो ब्रिटिश के पास ही रही। यानी कि इंडियंस को उन्होंने कभी पूरी तरीके से मेजोरिटी दी ही नहीं। भैया मेजोरिटी हो जाती तो मान लीजिए ब्रिटिशर बजट पास कर रही है, ठीक है, मेजोरिटी हो गई, या कोई कानून लेके आ रही है, अगर भारतीयों की मेजोरिटी है काउंसिल में तो भारत उसको पास ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिश ने अपने पास मेजोरिटी रखी, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों यहां पे अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहां पे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे नॉन ऑफिशियल कुछ जो नॉमिनेशंस है वो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार चेंबर्स, ये सब के सब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, इनको रिकमेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 1909 का मिंटो मॉर्ले, ये सब फिर से बता रहा हूं, ये पूरा मैंने कवर किया है, 1909, 1919, 1935, पूरा बहुत ही अच्छे से मैंने कवर किया है, सेपरेट लेक्चर है, ठीक है, आप जरूर देखिएगा। तो 1909, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। कांग्रेस देखिए 1905 तक तो क्या था कि कांग्रेस में मॉडरेट फेज था, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तब यहां पे बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष, ये सब क्या कहने लगे, ऐसे तो चलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, हम लोग दया याचिका कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको कानून में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दो, हमको काउंसिल की सीटें बढ़ाओ, लेकिन इसका कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको डोमिनियन स्टेट, हालांकि डोमिनियन स्टेटस की बात अभी तो नहीं आएगी, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये ब्रिटिशर को हटाओ, इनको हटाओ पूरी तरीके से, स्वदेशी मूवमेंट चालू करो। तो स्वदेशी मूवमेंट अब चालू हो गया। अब यहां पे जो कांग्रेस का जो मॉडरेट सेक्शन था, जो नरम दल था, वो क्या कह रहा था कि नहीं नहीं अभी रुको, अभी भरोसा रखो, ठीक है। लेकिन जो गरम दल था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो क्या कह रहे थे कि हमको रुकना ही नहीं है। तो सूरत स्प्लिट हुई दोस्तों, आपको पता ही, 1907 में यहां पे दो धड़े हो गए, एक हो गए मॉडरेट्स, हो गए एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को ब्रिटिशर ने ठोक पीट के बराबर कर दिया, सबको जेल में डाल दिया, बचे खाली मॉडरेट जो कि कह रहे थे कि कानून अभी भी हमको कानून में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उसी के लिए 1909 का मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया। तो मिंटो मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय हमारे वाइस रॉय थे, ठीक है, और मॉर्ले, जॉन मॉर्ले जो थे वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। तो इन दोनों ने ये जो एक्ट है 1909 का ये लेके आए। अब इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसकी सीट बढ़ाई गई, 16 से 60 किया गया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही पास थी, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास थी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी अलाउ कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन को भी पास कर सकते हैं अगर बजट में कुछ सही नहीं है। जैसे उस समय प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो बजट पास होते थे भारत के जो सोर्सेस हैं वो ब्रिटिश भेजे जाते थे, तो ये बातें उठाई जाती थी कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। तो जो मेंबर्स होते थे रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते थे इन सब पे। रेजोल्यूशन मतलब कि रोक लगाने के लिए, या कोई किसी भी चीज पे आपत्ति है तो रेजोल्यूशन पास करके उस पर रोक लगाई जाए, ये नहीं पास कर सकते थे कांग्रेस मेंबर्स। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप रेजोल्यूशन भी बजट पे पास कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार दोस्तों जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मैंने डिस्कस किया था ना, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों को इन्वॉल्व किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपको नाम याद रखना है, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लॉ मेंबर इनको बनाया गया था। और इस ये एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल याद रखना है, जिसकी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता था, कम्युनलिज्म ले आइए, हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन यहीं से ही शुरू हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट,
यहां पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट और हिंदुओं को सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिम को यहां पे सेपरेट सीटें दे दी गई, और जो जिस सीट पे मुस्लिम लड़ेंगे खाली मुस्लिम वोट कर सकते हैं, और जिस पे हिंदू लड़ेंगे उस पे हिंदू वोट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट ले आए और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद दोस्तों हर 10-10 साल में अब कानून आएगा। अब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको ये भी मैंने डिस्कस किया है। हालांकि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हैं तो हमको जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट को भी साथ में देखना पड़ता है, तो वो रिव्यू है, आप देख लीजिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो यहां पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि डायार्की आ गई, डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे शुरू हो गई। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस क्या है कि देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ठीक है, देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, ये सब्जेक्ट मतलब क्या, इश्यूज। ठीक है, अब जैसे सेंट्रल, अभी आप देखते हैं कि भारत में तीन लिस्ट है, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेंटर के पास रहेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर वो सेंट्रल के पास रहेगा, ठीक है, वो स्टेट को, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टेट के पास रहेंगे। ठीक है, जैसे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर भी उसी में आ गया, मैंने सेंट्रल बोल दिया, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि सेंटर के पास कितनी ताकत रहेगी और प्रोविंसेस के पास कितनी ताकत रहेगी, तो वो सब्जेक्ट में डिफाइन होता है, समझ गए आप। तो इसमें एक सेंट्रल सब्जेक्ट था और प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। अब ट्रांसफर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ट्रांसफर किया जा सकता था। ठीक है, देखिए जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसको गवर्नर एडमिनिस्टर करता था और मिनिस्टर्स इसको हेल्प करते थे, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होता था। रिजर्व्ड सब्जेक्ट की बात करें, ये गवर्नर और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो है वो रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। आप समझे कि नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप ही हैं, ठीक है, और परिवार का कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए उसके उससे पूरा परिवार हिल जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैं किसी और को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं पूरे मोहल्ले की इसमें एडवाइस नहीं लेने वाला, मैं ये जो एडवाइस है ये क्योंकि मेरे घर का मामला है और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ये खाली मैं अपने अपने तक रखूंगा। तो उसको हम बोल देंगे रिजर्व्ड, जो कि खाली आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं इसमें एडवाइस लेने की जरूरत है और बहुत सारे लोगों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफर्ड। ये चीज आप समझिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ही ये है कि भैया आपको जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे कोई कानून पास हुआ, अगर वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में है और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आप कुछ बदल रहे हैं, तो भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको सवाल पूछेगी। लेकिन अगर वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट में है तो वो पूरा का पूरा आपकी पावर है, आपका ज्यूरिसडिक्शन है, आपका ही फाइनल डिसीजन होगा। ये चीज आप समझे, तो इसीलिए इसको डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस बोला गया, डायार्की बोला गया, और बाई कैमरलिज्म। अभी अब यहां पर हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि अभी तक तो एक ही था, ठीक है, सेंट्रल में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, मैंने बताया था ना वो 1853 का एक्ट। अब क्या है कि अपर हाउस और लोअर हाउस, बकायदा भारत में प्रोफेशनल पार्लियामेंट अब बैठ गई, जैसे ब्रिटिश में होती थी ना अपर हाउस और लोअर हाउस, वैसे ही अपर हाउस और लोअर हाउस भारत में भी हो गई, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया और लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, समझ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है। और दोस्तों इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड किया गया, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इनको भी सीटें दी गई। ठीक है, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें 6 मेंबर्स होते थे, अब देखिए इसमें भी यहां पे सीटें बढ़ा दी गई, अब 6 में से 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियंस होंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को वोटिंग राइट्स भी दिए गए, और ये पहला एक तरीके से स्टेप था कि अब भारत के लोग भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल थे। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे, ये मैंने कवर किया है दोस्तों 1999, मतलब 1919 एक्ट को। ठीक है, और ये आपको याद रखना है दोस्तों, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया 1926 में, इसमें इसका भी रिकमेंडेशन था। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो कि यूपी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स उसको कंडक्ट कराएगी, 1926 में इसको भी स्टैब्लिश किया गया। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया। साइमन कमीशन दोस्तों अब 10 साल बाद आना था, लेकिन ये आ गया 1927 में, साइमन कमीशन। अब इस पे भी मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है दोस्तों। साइमन कमीशन क्या थे कि साइमन कमीशन आए, जॉन साइमन आए, लेकिन जो 7 मेंबर्स थे भारत के कानून को बनाने के लिए आए थे और देखने के लिए आए थे कि भारत की क्या हालत है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 7 मेंबर्स में से एक भी भारतीय नहीं था, तो यहां पे नारे लगने लगे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और अल्टीमेटली सरकार झुकी
और 1935 में फिर जो इंडियन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या क्या करना है, इसमें वो भी प्रोविजंस थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को अब हम देखते हैं, इस पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, साइमन कमीशन पे भी पूरा सेपरेट लेक्चर है। 1935 में दोस्तों इसमें सबसे पहले तो डायरकी इन दी प्रोविंसेस को एबॉलिश किया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन की भी स्टैब्लिशमेंट की गई प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। इसमें भी हम देखते हैं कि पावर का डिवीजन हुआ, ठीक है, पावर का डिवीजन हुआ और अब तीन लिस्ट ऐड हो गई, फेडरल लिस्ट, ठीक है, सेंटर के पास, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के पास, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के पास, समझ गए। और रेजिडुअरी बची कुची जो पावर्स है वो वाइसराय के पास, यानी कि आज का जो कंसेप्ट देख रहे हैं सेंट्रल स्टेट और मतलब यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत कुछ लिया गया, समझ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोविंसेस में डायरकी को हटाया गया, और अब इलेक्शंस की भी यहां पे बात आई दोस्तों। 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है ना, 11 प्रोविंसेस थे उस समय ब्रिटिश के, और वहां पे अब इलेक्शन होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1937 में दोस्तों फिर हम देखते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस चुन के आई, ठीक है। तो अब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, डायरकी सेंटर पे डायरकी होगी, लेकिन प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म किया बाई कैमरलिज्म 6 में, ठीक है। 11 प्रोविंसेस में से 6 में बाई कैमरलिज्म, मतलब अब स्टेट में भी अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, ठीक है। ये कौन कौन से थे देख लीजिए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। इन छह के छह को बाई कैमरल बनाया गया, मतलब यहां पे अपर हाउस और लोअर हाउस होगा। उसके बाद दोस्तों कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा सेपरेट, क्योंकि दोस्तों 1932 में कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट याद होगा आपको, मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, आप देख लीजिएगा, इसको भी एक्सटेंड किया गया। उसके बाद दोस्तों काउंसिल ऑफ इंडिया को यहां पे स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये चीज है, और काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पूरी ताकत दे दी गई। अब यहां पे वोटिंग राइट्स हैं पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन को, ठीक है, मतलब 10% जो टोटल पॉपुलेशन है उनके 10%, इसमें भी क्राइटेरिया थे, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। यानी कि पब्लिकली हर हर कोई तो नहीं, लेकिन जो मतलब जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे थे वो अब वोट कर सकते थे, तो ये बहुत अच्छी बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, हिल्टन कमिटी द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हम फाइनल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देख लेते हैं दोस्तों। ये ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, इस पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, इतिहास मैंने पूरा कवर किया है। इसमें सबसे पहले तो भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, भारत और पाकिस्तान दो यहाँ पे देश बनेंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सीड कर सकता है, मतलब हट गया, यानी कि भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान आजाद हो गया, भारत के दो टुकड़े करके चले गए। इसको माउंट बैटन प्लान भी बोला जाता है, ठीक है ना, और इसी को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोला गया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वाइसरॉय के ऑफिस को एबॉलिश किया गया, चलिए ये सब तो आपको पता ही है, वाइसरॉय के ऑफिस को एबॉलिश किया गया। फिर यहां पे अब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटिश, अब उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोनों ही भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, मतलब कानून बनाने का अब जो प्रक्रिया है वो भारत और पाकिस्तान शुरू करेंगे। हालांकि भारत में तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में ही बन गई थी, मुस्लिम लीग ने पार्ट नहीं लिया था उसमें, और इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू ने बना ली थी, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खत्म, ठीक है, ये सारे जो जो ब्रिटिश के पास थे वो सब कुछ खत्म। हाँ, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, मतलब अभी तक ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश की पैरामाउंसी थी भारत के ऊपर, अब ये लैप्स हो गई, खत्म हो गई। तो 15 अगस्त 1947 को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया कि या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं, भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी प्रिंसली स्टेट ने भारत को ही ज्वाइन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कमाल का काम था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर इसमें इन एक्ट्स में मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, देख लीजिए। फिर 15 अगस्त को भारत आजाद होता है, और उसके बाद भारत का नया जन्म, इसके बाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो भारत में संविधान कैसे बनाया गया 1946 से लेकर 1950 की स्टोरी ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी मैक्सिमम लेंथ 25 मिनट तक होगी, वही मैं कोशिश करके रख रहा हूं 20 मिनट से 25 मिनट तक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।